हम निकल रहे हैं माउंट आबू ट्रिप के लिए, और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो पता नहीं मैं मेरे से ब्लॉग कितना बनेगा, कितना सक्सेस हो पाऊँगा मैं इस ब्लॉग को बनाने में, लेकिन पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इस ब्लॉग को पूरा कम्प्लीट करूँ। तो देखते हैं कितना बनता है मुझसे। तो बस क्या और ये मेरा लगेज, इसको भाई कैरी करेगा, और ये मेरा छोटू सा लगेज, इसको मैं कैरी करूँगा। डन, तो देखते हैं। कोलकाता स्टेशन घर से आते हुए कुछ वक्त लगा मेरे को, और अभी कोलकाता स्टेशन दिखाएंगे। तो ये रहा कोलकाता स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ सुथरा। मैं फर्स्ट टाइम आया कोलकाता स्टेशन, तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारी जर्नी से पहले इस कोलकाता स्टेशन कभी हुई नहीं है। तो खूबसूरत स्टेशन, बहुत ही सुंदर, और अभी नया नया बनाया है कोलकाता स्टेशन। एक्चुअली कोलकाता का ही तो हमारे हावड़ा और सियालदह का ही बात पहले आता है, तो कोलकाता स्टेशन इज़ द फर्स्ट टाइम। तो अभी हम जा रहे ट्रेन में से, हमें अनाउंसमेंट कर दिया है, प्लेटफॉर्म पे दे दिया गया ट्रेन। तो हमारा ट्रेन का नाम है अहमदाबाद। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय ट्रेन, दिस इज़ माय ट्रेन व्यू, एंड दिस इज़ कोलकाता स्टेशन, एंड दिस इज़ माय ट्रेन बोर्ड। ये है कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस, और ये हमारा कोच नंबर, और इसमें छाता मैं नहीं लेके आया, मैं मेरे बैग पे छाता है, रीमी छाता खोल ली, भाई लड़की है छाता तो खोलना ही पड़ेगा। अभी हम लोग ब्रह्म कुमारी की खोज पे जा रहे हैं। नहीं थे बया करने को कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। कल रात को ये प्लेस इतना सुंदर लग रहा था, अभी ऑफकोर्स अभी भी बहुत सुंदर। हमारी होटल, हमारी जिस बिल्डिंग पे हम लोग ठहरे, वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे है, मैं वैसे उसकी अलग वीडियो बनाऊँगा। और वो हमारी गर्ल फ्रेंड, मतलब जो हमारी लड़की फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर तो हम सारे भाई बहन बन गए, कोई दोस्त वोस्त यहाँ नहीं चलेगा, तो हम लोग भाई बहन बने हुए हैं यहाँ पर। और ठीक, हमारे बिल्डिंग के पीछे बड़ी सी पहाड़ है, देख रहा है कितना सुंदर है पहाड़, ये सुंदर पहाड़ रात को तो इतना खूबसूरत दिख रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। आज मतलब ब्रेकफास्ट के लिए निकले हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद फिर आज का अगला स्टेप देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो
ये इनको पोहा दिया जा रहा है, वेरी टेस्टी। थोड़ा सा और देना, थोड़ा सा मिल रहा है। और इन लोग हमारी यहाँ पे ओम शांति बोलना पड़ रहा है। और अगला स्टेट, अगला स्टेट है कुछ दाल सब्जी रहते हैं। आंटियाँ, सारी आंटी लोग गई हैं मेरे को खाना, तो सब्जी थोड़ी सी अभी अगला स्टेप पता नहीं क्या लेंगे, दलिया लेंगे थोड़ा सा दलिया। पर अभी हमें कुछ खास मैंने लिया नहीं, मैंने दलिया लिया, पोहा लिया और बहुत किसी भी तुम्हें पानी आ रहा है। ये मेरी हम तहरपाल। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद, हम लोग ब्रेकफास्ट करें उसके बाद कर, बाद में पहले ब्रेकफास्ट कर लें। ये है मेरा, ये हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये हमारा वो रिसेप्शन है। बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा, बहुत अलग लुक है यहाँ का रिसेप्शन का भी। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा रूम, और वहाँ से अब नेक्स्ट सीढ़ी टप 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 टप। अभी हम लोग, अब मैं पहले आपको अपने यहाँ ले जाऊँ, हमारी कॉरिडोर टाइप्स बना हुआ है, एक बैल्कनी टाइप्स, तो वहाँ पे ले जाऊँ। वहाँ से इतना सुंदर व्यू आता है पूरे ब्रह्म कुमारीज का कि वाव दिखने में लगता है। यहाँ पे शाम को व्यू इतना खूबसूरत आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बस वाव था। क्योंकि रात को यहाँ ठंड भी हल्का हल्का पड़ रही थी, और वहाँ ये बिल्डिंग हमारी बहनों के लिए है, यहाँ पे हम सारे भाई बहन हैं, कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ भाई और बहन। और अब हम चल रहे हैं अपने रूम की ओर, और वहाँ जाके मैं थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद घूमने निकलेंगे। और घूमने पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे, आई डोंट नो, पर ब्रह्म कुमारी के आसपास ही घूमेंगे हम, ब्रह्म कुमारी साइड सीन्स। और ये रहा मेरा रूम, रूम में अभी सब सो रहे हैं, और क्योंकि ये सारे और भी मेरे रूममेट्स हैं जो सारे रात को आए बहुत लेट से, ये लोग उन लोगों ने रात को मैं लेट से आए। और अब मैं फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ, सोलर प्लांट, उसके बाद तपो बन, उसके बाद गौशाला, उसके बाद कोई नदी है वहाँ भी जाना है। सामने सामने ये नदी है, अच्छा अच्छा, तो ये सारी जगह हमारे आज का ट्रिप है। हेलो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम ब्रह्म कुमारीज के सोलर सिस्टम में। कितने बड़े बड़े गोल गोल टाइप से देख रहे हो, बहुत बड़ा है यहाँ पे, करीब करीब 68 एकड़ समथिंग लोगों ने कहा ब्रह्म कुमारी का सोलर सिस्टम है, तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बहुत। इसी से यहाँ के सारे नल, यहाँ के सारी बिजलियाँ इसी से चलती है। तो
अभी हम आप पहुँचे हैं ब्रह्म कुमारी के काउ फार्म में, गौशाला में। यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी ये बछड़े हैं सारे, और यहाँ पे करीब करीब 300-350 गाय यहाँ पे हैं गौशाला में, जो हैं यहाँ पे दूध देती है। उसी के दूध से ब्रह्म कुमारी इसका दूध दही मट्ठा वट्ठा जितना भी हम खा रहे हैं कुछ दिन से, वो सारे ही बनते हैं। तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है ब्रह्म कुमारी का अपना ये सारा। इससे पहले हम तपोवन गए, वहाँ पे भी हमने देखा कि उनके अपने ही सारे फूड प्लांट्स लगे हुए हैं, कितने सारे खेती वो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा एक रिवर है, पोलास रिवर के नीचे हम जा रहे हैं। तो गो, और उसके बाद हम चलेंगे अपने घर। लौट के मुर्गी घर को आए, जो हम आ गए हैं अपने घर को, मतलब अभी हम जहाँ रह रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूरा आबू रोड को छान मारा, सारी जगह हम घूम लिए अभी, क्योंकि यू नो आबू रोड का है कि ब्रह्म कुमारी का हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म कुमारी ही सारी जगह दिख रहे हैं पूरे आबू रोड पे। तो ब्रह्म कुमारी अभी हमने पूरे ब्रह्म कुमारी पूरे आबू रोड घूमे। लंच टाइम, और अभी हमने चावल लिया, और चावल के बाद कड़ी, अभी कड़ी लेना है मुझे। आज हम इतना घूमे, इतना सारा जगह हम घूम लिए कि अब बस थक गए, हम भूख बहुत तेज लग गई, हमको खाना है कड़ी और चावल आज पूरी सारा। अभी मैं सूखा सब्जी लूँगा थोड़ा सा, सूखा सब्जी, और क्योंकि रिमी ले रही है, अभी रिमी के बाद मैं लूँगा सूखा सब्जी और थोड़ी सी, उसके बाद रोटी, एक रोटी, हाँ एक रोटी मैं मिल गई मुझे। अभी आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स वेलकम टू ब्रह्म कुमारी संस्था। और ये हमारा दूसरा दिन कह सकते हैं, यू नो दूसरा ही दिन है हमारे यहाँ पे। और अभी अभी हमें ब्रेकफास्ट के लिए हम आए, और ये बिरयानी में खाने को मिला है ढोकला और सब्जी। मैंने एक्चुअली कोलकाता में ढोकला सफ़ेद येलो येलो का खाया है, पीले पीले, यहाँ पे सफ़ेद कलर के ढोकले हैं, पता नहीं इनमें कैसा होगा। उम्मीद अच्छी होगी, यहाँ का खाना वैसे अच्छा ही हो रहा है। अभी इसको खाना है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है ये मेरा खाना। हाँ, तो अभी क्या होता है, उन्होंने कहा चटनी होता तो अच्छा होता है, लेकिन मुझे वैसे खास जरूरत नहीं पड़ा चटनी का, तो टेस्टी है वैसे, अच्छा लगा खा के। आज का प्लान करने का हूँ, आज का हमारा प्लान है, आज हम जिस लिए यहाँ पे आए हैं माउंट आबू आबू रोड, तो वो हमारे हार्ट कॉन्टेस्ट है, उसकी वजह से हम यहाँ पे आबू रोड आए हुए हैं। नहीं, आज का ये तो कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना, 3 दिन हमारे कॉन्टेस्ट चलेगा, उसके बाद 2 दिन का एग्जीबिशन है, उसके बाद 1 दिन का माउंट आबू टूर है, उसके बाद गाड़ी का रास्ता पकड़ना है। तो कुल मिला के बिजी शेड्यूल है हमारा उस दिन का, और उस दिन तो हम आपके साथ रहेंगे, बहुत सारी मस्ती होगी, और देखते हैं कितना कैरी ऑन कर सकते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं वो उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे सारी दीदी हमारी सारी दीदी लोग यहाँ पे मस्ती कर रही है, आनंद कर रही है। तो मैं चौंक गया देख के यहाँ पे आके कि ये सारे कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, कितने शांति पीसफुल के साथ के हैप्पी हैं। तो आप देख सकते हो कितनी आनंद कर रही है, तो वाओ वाओ लग रहा है मुझे देख के इनको, और इनमें कोई संदेह नहीं है कितनी खुश है, ये सारी इसकी कॉपी कर रही हैं, तो अच्छा है। वैसे यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे कुछ कोर्सेस होते हैं जो इन लोगों ये लोग कराते हैं, और फिर इन कोर्सेस के बाद इतनी सारी आनंदमय नृत्य भी कराए जाते हैं, तो एंजॉय दिस डांस। वेलकम फोर्थ डे, ब्रह्म कुमारी में मेरा चौथा दिन होने जा रहा है। तो अभी चौथे दिन में हमारी कॉन्टेस्ट तो ख़त्म हो गई है, अभी हमको यहाँ आज एक हमारी एग्जीबिशन लगने वाली है, और एग्जीबिशन के बाद फिर हम फिर माउंट आबू का टूर है हमारा, उसके बाद हम चले जाएंगे कोलकाता हमारे प्लेस हमारे घर पे। मैं आपको दिखा दूँ इस बिल्डिंग पे मैं रह रहा हूँ, एक पीछे बड़ी सुंदर सी पहाड़ है दिख रही है, एंड दिस लोकेट दिस इज वाओ व्यू ना। तो कुल मिला के ये कुछ 4-5 दिन अच्छे बीते हमारे, बहुत यादगार रहेंगे ये पल हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुछ इस तरह के प्लेस पे आया जहाँ पे इतनी शांति है, इतनी सुकून है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतनी सफाई, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट, इसको कहते हैं।
तो वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली है। ये ब्रह्म कुमारी का आनंद सरोवर कॉम्प्लेक्स है। ये कुछ बिल्डिंग्स दिख रहे हैं मुझे, ये वेदर दिख रहा है, इतना अच्छा वाला वेदर है, धूप होने के बावजूद भी यहाँ इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, लाइक ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरिता, आनंद सरोवर, आनंद कुंभ, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर नाम है जो आपको पढ़ के जैसे शांति ही मिलेगा। यहाँ पे हर चीज़ में पीसफुल है, हर चीज़ शांत है, हर चीज़ में शांति है। अभी हम ब्रह्म कुमारी के ग्लोबल ऑडिटोरियम में, यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे 25,000 आदमियों का एक भीड़ लगा हुआ है। तो जस्ट वाओ, एकदम अलग ही है। ब्रह्म कुमारी कॉम्प्लेक्स के आसपास का ये व्यू, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रह्म कुमारी का है, पूरा जो दिख रहा है आपको, जितनी बिल्डिंग्स दिख रही है ये सारे ही ब्रह्म कुमारी की हैं। और ब्रह्म कुमारी का कॉम्प्लेक्स जहाँ पे है ना, वो चारों तरफ वो माउंटेन दिख रहा है, पूरा माउंटेन है।